कॉर्नरिंग करने में KTM से। R15 लेके नहीं आए हैं क्योंकि R15 का मेरा चाबी लॉस्ट हो गया, एक चाबी था जो बीच से ब्रेक हो गया। और वापस से मैं अपने पुल पे चढ़ के घर की ओर जाने वाला था, बट मेरे को फिर याद आ गया कि नहीं बाबा इधर नहीं जाना है, स्टॉप ही तो बनता है। नहीं उतना अच्छा लगा। अरे इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, आओ ना आओ ना आओ ना गाइस, ये वाला रास्ता से जाएंगे उधर, हम लोग उस साइड जाना है ना। हाँ गाइस, इस पे एक और बहुत गंदा सीन था उसके साथ, उसका पूरा हैंडल करीबन ऐसे ऐसे हो गया था क्योंकि पूरा फुल टू बालू भरा हुआ है ना रोड पे। So, hello guys, once again and welcome back to my YouTube channel. This is Shroth and you're watching Shroth Vlog. So guys, संडे का ही डे, आज अगेन संडे है, संडे राइड पे हम लोग जा रहे हैं। मेरा फ्रेंड लोग आ गए हैं, एक V3 एक FZ है, ये रहा FZ, अपने FZ वाले भैया जिनको बोलो, एक पीछे V3 है स्मैश बीस्ट का, गाइस ग्लव्स है उसी का, स्मैश बीस्ट का, मेरा ग्लव नहीं है, हम खुद का अपना खरीदने वाले हैं, सोचे आज पहन के ट्राई कर रहे हैं कि पहन के चलाने में बन पाता है कि नहीं बन पाता है ये देखने के लिए, तो यूज़ कर रहे हैं, अगर कंफर्ट लगा तो लेंगे, अदरवाइज कोई और ब्रांड का देखेंगे फिर। दिल तो इसी पे आ गया, एक नंबर सेक्सी लग रहा है ग्लव, आप लोग बताना गाइज। ओ इधर इधर इधर, ओ आप लोग बताना गाइज, मेक श्योर कमेंट करके मेरे को नीचे में कि ग्लव कैसा लग रहा है आप लोग को, सही है कि ख़राब है, ज़रूर से बताना। आप लोग गाइस कमेंट नहीं करते हो, सब चीज़ वीडियोस देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, बट कमेंट करके बताया करो, कमेंट आएगा तो मेरे को भी मन करेगा कि वो चीज़ करे, आप लोग को मांगता है जो चीज़, आप लोग जो बोलो वो करने के लिए तैयार है हम लोग। ओ भाई ये रहा, एक R15 आ गया, भाई का ही ग्लव्स है, उसका ग्लव्स हम पहन के यूज़ कर रहे हैं। ओ भाई क्या मज़ा है कॉर्नरिंग करने में KTM से। R15 लेके नहीं आए हैं क्योंकि R15 का मेरा चाबी लॉस्ट हो गया, एक चाबी था जो बीच से ब्रेक हो गया था, टूट गया था बहुत दिन पहले, एक चाबी मेरा लॉस्ट हो गया, हमको पता नहीं, घर से लेके निकले थे अपने पापा के बाइक से गए थे, बट चाबी कहीं रास्ता ही में गिर गया, तो उसका लॉक बदलवाना पड़ेगा घर पर हमको, मैकेनिक बुला करके, बुला करके करेंगे चेंज, तब आएगी अपनी V3, अभी तो भी इसी पे वीडियो बनेगा। इसको कम वीडियो में लाने का रीज़न है क्योंकि इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम मेरे को लगता है, अब V3 में का जो कंट्रोलिंग है ना, वो कंट्रोलिंग बहुत अलग चीज़ का टाइप का है। ओ भाई गाइस, ये वाले ब्रिज तो आप लोग हमेशा, हम अपने ब्लॉग में आते हैं, आप लोग पता ही होगा, चिनाटार पुल से आगे से उतरने के बाद लेफ्ट साइड में जो एक पुल चढ़ता है उसके बाद से ये आगे में जा करके पड़ता है, ये रिसेंटली बना है, कुछ साल भर पहले बना है, रिसेंटली बना है। गाइस बाइक को फ्यूल अप भी कराना है, फ्यूल नहीं है बाइक में। ओ भाई साहब, CJ चंडीगढ़ विच घूमे, कोई गाना है यार बट भूल गया, याद नहीं आ रहा लिरिक्स, माय बैड। ओ भाई अपने सारे लोग गायब हो गए, कहाँ गए नहीं मिल रहे हैं, मेरे को अगला पहन के बनाने में, वो लोग टर्न भी ले लिए लग रहा है। ओ भाई साहब ये अपन कर क्या रहा है, हाँ हाँ टर्न भी ले लिए,
वापस से मैं अपने पुल पे चढ़ के घर की ओर जाने वाला था, बट मेरे को फिर याद आ गया कि नहीं बाबा इधर नहीं जाना है, जाओ जाओ दीदी जी चले जाओ, नहीं गिराऊंगा। गाइस मेरा भीतरी नॉन एबीएस है, ये एबीएस है, तो एबीएस में हल्का सा मेरे को दिक्कत होता है। गाइस सडन एक कार वाला आ गया, पता नहीं मेरे को दिखा नहीं, मैं तो उड़ाते हुए लेके चला आया। स्टॉप ही तो बनता है। नहीं उतना अच्छा लगा बट ठीक था। सो गाइस यहां से निकलते हैं। सो गाइस अटल पथ पे रुके थे कुछ इसी तरह एंटरटेनमेंट करने के लिए, वहाँ पे कुछ इंस्टा का स्टोरी वो स्टोरी नहीं बनाया है, बट आगे जाएंगे तो स्टोरी बनाएंगे। सो जो लोग मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किया सबसे पहले फॉलो कर लो गाइस, अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, मेक श्योर नीचे रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। अरे आपके भाई की वीडियो है, आपके भाई को और की चाहिए कि आप लोग से बस थोड़ा सा सपोर्ट ही तो चाहिए, बाकी सब भगवान का दिया सब कुछ है, बस आप लोग का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गाइस ये रहा अटल पथ का व्यू, बट उस साइड वाले लेन पर रहता तो नजर आता, बट इस साइड से थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। गाइस पिछले कुछ दिनों से ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था कुछ, इसलिए मैं एक एक वीक तक कैमरा नहीं यूज़ किया हूँ। संडे को भी पिछला संडे को गया था, ये फिर इस संडे को आ रहा हूँ, लेकिन अब कल से मैं सोच रहा हूँ डेली ब्लॉग करूँगा, एक ब्लॉग को एक ही दिन में वीडियो को आगे पीछे करके डाल दूंगा। मेरे पीछे ए रुक ऊपर। अरे इधर से आना। गाइस ये वाला रास्ता से जाएंगे उधर, हम लोग उस साइड जाना है ना। हाँ ये वाले ब्रिज से जाएंगे, ये वाला ब्रिज का आधा वर्क हुआ आधा वर्क अटका हुआ है, पूरा कंप्लीट वर्क नहीं हुआ है इस पर। बस इतना ही पे कहीं पे कटिंग है, उससे उधर जाना है हम लोग को। निकल जाइए निकलिए ऊपट्टी। अरे इधर इधर निकल घुमा। गाइस इस पे एक और बहुत गंदा सीन था उसके साथ, उसका पूरा हैंडल करीबन ऐसे ऐसे हो गया था क्योंकि पूरा फुल टू बालू भरा हुआ है ना रोड पे। गाइस आज प्रॉपर तरीका से फील आ रहा है अपन को, पूरा ब्लॉगिंग करने पे मन है पूरा एकदम कंप्लीट। हट हमको जाए दो। ओ भाई ये तो लोडिंग चल रहा है, रुक जाओ भैया जी। ओ गाइज यहाँ पर एक काम है, सो ये वाला ब्लॉग को रहने देंगे, ये वाले ब्लॉग को गाइज रहने देंगे यहीं तक, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो मेक श्योर मेरे जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लो, जो जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा दो, तोड़ दो फोड़ दो आग लगा दो, बट लगा दो गाइज। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए लेना चाहेंगे इजाज़त। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर दीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।